नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल इनक्रेडिबल स्टडी विद आरपी में। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीपीसी 1994 में जो एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके पहले आपको मैं बता दूं, 1991 से 1993 तक के क्वेश्चंस अपलोड कर चुका हूँ, ना देखे हों तो आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृत पर प्रकाश कैसे है, यानी हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमें कैसे मिलती है? तो पुरातात्विक खुदाई के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है, और इसके बारे में मैंने बताया था। चार्ल्स मेसन ने इसके 1856 में इसकी खोज चार्ल्स मेसन ने 1856 में खुदाई कराई थी, तब से इसकी जानकारी होनी चालू हुई थी। वे दयाराम साहनी ने और दयाराम साहनी और राघवदास बनर्जी ने भी इस कार्य को आगे बढ़ाया, और 1921-22 में उन्होंने क्रमशः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर की भी खोज करी। ठीक है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये अथर्ववेद में मिलता है। वैसे आपको बता दें कि जो आयुर्वेद होता है वो ऋग्वेद का ही एक उपवेद है। ठीक है, और आयुर्वेद में अथर्ववेद में आप देखेंगे तो आपको टोना टोटका, तंत्र मंत्र और तमाम प्रकार की औषधियों की भी हमें जानकारी मिलती है। इसीलिए जो आयुर्वेद को जो है जीवन का विज्ञान को अथर्ववेद के अंतर्गत रखा गया है। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारणा, तो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारणा जो है सांख्य है। ठीक है, और सांख्य के प्रणेता कौन है? तो महर्षि कपिल हैं। अद्वैतवाद प्रणेता आचार्य शंकर ने सांख्य को प्रधान मल्य कहा, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, आचार्य शंकर ने सांख्य को क्या कहा है? तो उन्होंने प्रधान मल्य कहा है। ठीक है, वैशेषिक दर्शन प्रणेता कणाद, कर्म मीमांसा, जैमिनी, योग दर्शन। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, वैशेषिक दर्शन प्रणेता के जो रचयिता हैं वो कणाद है। ठीक है, कर्म मीमांसा के प्रतिपादक आपके जैमिनी हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक आपके पतंजलि हैं। ठीक है, इसके आगे देखते हैं कनिष्क किसके समकालीन थे। कनिष्क के जो समकालीन थे वो आपको बताऊं, कनिष्क नहीं किसी के समकालीन थे, उनका खुद का समय था। कनिष्क समकालीन थे, के समकालीन थे अश्वघोष, और अश्वघोष भी थे और वसुमित्र थे, ये दोनों बौद्ध दार्शनिक थे, और ये दोनों ही जो है कनिष्क के समकालीन माने जाते हैं। नागार्जुन और चरक राज्यसभा के रत्न थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति, अब इसके बारे में बता दूं, अध्यक्ष कौन थे चतुर्थ बौद्ध संगीति के? तो वसुमित्र थे, और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, और कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित हुई थी, और शासन उस समय चल रहा था कनिष्क, यानी कनिष्क ने ही इसको आयोजित करवाया था। ठीक है, और इसके बाद अर्थशास्त्र के कौटिल्य, अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? तो कौटिल्य है, कौटिल्य को बताया था आपको, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, और इनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अर्थशास्त्र में बेसिकली जानकारी किस चीज़ की मिलती है? तो जानकारी आपको बताऊं तो उस समय का जो आर्थिक स्रोत थे, ठीक है, और राजनीति शास्त्र, दो ही चीज़ों के बारे में इसमें जानकारी मिलती है, और इसमें आर्थिक व्यवस्था की जानकारी का वर्णन नहीं मिलता है, हमें ये भी ध्यान रखना है। कौटिल्य अर्थशास्त्र की तुलना किससे की गई है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र को, पहली चीज़ तो ये जान लीजिए, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसको हम लोग भारत का मैकियावेली के नाम से भी जानते हैं, और इसकी तुलना की गई है मैकियावेली के प्रिंस के। ठीक है, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो पल्लवों ने कराया था चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण। मामल्य उपाधि की उपाधि किसने धारण करी थी? तो मामल्य उपाधि की जो उपाधि धारण करी थी, मामल्य की उपाधि, वो नरसिंह वर्मन ने धारण करी थी, और इसी के वजह से मामल्य उपाधि की वजह से मामल्यपुरम नगर की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसने जो है एकास्मक रथ मंदिर व मंडप का भी निर्माण कराया था। ठीक, तो एकास्मक रथ मंदिर और मंडप का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह वर्मन ने कराया था। आगे बात करते हैं स्त्री पुरुष बराबर कुछ बातों को छोड़कर, तो ये चीज़ की जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? तो प्रारंभिक वैदिक काल से जानकारी मिलती है कि उसमें क्या था, कुछ चीज़ों को छोड़कर जो है स्त्री पुरुष बराबर माने जाते थे, जबकि जैसे जैसे समय आता है, और प्रारंभिक वैदिक काल का टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था कि ये जो पूरा टाइम पीरियड है 1500 से 600,
ठीक है। अब इसमें से ये पूरा टाइम पीरियड है वेदों वैदिक टाइम पीरियड 1500 से 600 है। अब इसको हम दो बार भागों में बांट लेते हैं, तो जिसमें से पहला भाग जो आता है 1000 तक रहता है, 1500 से 1000 तक। अब ये जो 1500 से 1000 तक का टाइम पीरियड है, इसको हम लोग पूर्व वैदिक काल में रखते हैं, ठीक है, या प्रारंभिक वैदिक काल में रख सकते हैं। और फिर 1000 से जो 6000 तक है, उसको हम लोग उत्तर वैदिक काल में रखते हैं, ठीक है। अब इसमें से समझने वाली चीज़ ये है कि जो प्रारंभिक वैदिक काल था, उसमें स्त्री और पुरुष यानी मेल और फीमेल जो है आपस में बराबर थे, लगभग दशाओं में बराबर माने जाते थे। लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आता है, तो उसमें मेल और फीमेल के बीच में भेदभाव होने लगता है, यानी दोनों ये आपस में बराबर नहीं रह पाते हैं, ठीक है। अब उसके कई सारे कारण हैं, आप राजनीति में देख लें, उनको स्थान उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता था, समाज में शिक्षा का भी उनके अंदर अभाव देखा जाता था, उनको शिक्षा से भी वंचित रखा जाता था, ठीक है। अब विश्व प्रसिद्ध, अब आगे क्वेश्चन बात करते हैं, विश्व प्रसिद्ध जो खजुराहो का मंदिर है, तो खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया था, चंदेलों ने बनवाया था। कब बनवाया था, 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में बनवाया था। और 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में आपको पता होगा कब कौन सा समय चल रहा था, तो उस समय जो है अरब आक्रमण हो रहे थे, मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे, तुर्की आक्रमण हो रहे थे लगातार, ठीक है। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है, तो MP ये छतरपुर में है। और प्रारंभिक राजधानी इन्होंने, दरअसल चंदेलों ने क्या किया था, प्रारंभिक राजधानी अपनी कलिंजर बनाई थी। और कलिंजर कहाँ पर है, महोबा में है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और दूसरी राजधानी चंदेलों ने बनाई थी MP छतरपुर को, ठीक है। और खजुराहो के मंदिर कहाँ पर, तो वहीं पर हैं, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश से ही जब दूसरी राजधानी वहाँ थी, तो उनको ये काम जो है आसान लगा, वहीं पर रहकर खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का फिर 9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य में इन्होंने निर्माण कराया। अब इसके आगे बात करते हैं एलोरा, एलोरा की गुफाएं। तो एलोरा की गुफाओं के बारे में बात करें, तो इसमें क्या होता है कि हिंदू जैन बौद्ध तीनों धर्मों से संबंधित हैं एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाओं का निर्माण कहाँ, अच्छा हैं कहाँ पर, ये तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। और एलोरा के जो मंदिर हैं, या सॉरी एलोरा की गुफाएं हैं, तो राष्ट्रकूट शासकों ने इसको बनवाया था। खजुराहो का चंदेलों ने बनवाया था, जबकि एलोरा को जो है राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था। कब बनवाया था, ये 7वीं से 9वीं शताब्दी में, यानी पहले एलोरा की गुफाएं बनी। अगर आपसे पूछा जाता है, कभी कभी क्या होता है PCS में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए, तब वहाँ पे आपको अगर दे देता है कि पहले एलोरा की गुफाएं दे देता है, फिर खजुराहो की गुफाएं दे, खजुराहो के मंदिरों को दे देता है, ठीक, और दो तीन चीज़ें दे देता है। तो पहले ध्यान दीजिएगा कि एलोरा की गुफाएं बनी थी, ये 7वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य में बनाई गई थी। फिर इसके बाद जो आपके खजुराहो के मंदिर थे, वो 9वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य बने थे। अब इसका देखिए कुछ एग्जैक्ट टाइम पीरियड तो है नहीं, इनको बनाने में काफ़ी समय लगता था, ठीक है, इसलिए इसका एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं मिलता है कि महाबलम रथ मंदिर का निर्माण कब हुआ था। तो महाबलम रथ मंदिर का निर्माण जो है किसने कराया था, तो पल्लव शासकों ने कराया था। पल्लव शासकों में किसने कराया था, तो नरसिंह प्रथम ने कराया था, ठीक है। मदुरै में जो मीनाक्षी मंदिर है, तो मदुरै कहाँ पड़ता है, वो तमिलनाडु में पड़ता है। इसका निर्माण किसने कराया था, तो पांडे शासकों ने कराया था, ठीक है। तो इसमें दोनों में कन्फ्यूज ना करिएगा, महाबलीपुरम रथ मंदिर है वो पल्लव शासकों ने, और मदुरै का जो मीनाक्षी मंदिर है वो पांडे शासकों ने कराया था, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसमें टोटल 9 क्वेश्चन पूछे गए थे UPPCS 1994 का है। और इसके आगे पूरे एक एक करके मैं आपको बताता रहूँगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब करें अपने चैनल को। थैंक यू।